Hello student, very good morning. I am your mentor Raksha Bhatt. So chalo we start karte hain chapter number 5 and our topic is sex determination in human being. Aapko pata hi hai ye sab. Okay? Clear? Important for 2 mark. Bhai exam mein ye 2 mark mein aata hai question, most important. Hai na beta? Ki bhai human being ke andar sex determination kaise hota hai? Ki bhai जो बेबी आने वाला है वो मेल होगा या फीमेल होगा. ओके बेटा, वो हमें कैसे पता चलता है? तो लेट अस स्टार्ट. ओके, तो भाई सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग इज ऑफ विच टाइप? तो इट इज एक्स 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 वाई टाइप. भाई इन ह्यूमन बीइंग द सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म इज ऑफ विच टाइप? इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन. आंसर क्या आएगा बेटा? एक्स 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 वाई टाइप. उसका मतलब क्या है? या फीमेल हैविंग विच क्रोमोसोम, विच सेक्स क्रोमोसोम? एक्स एक्स. एंड मेल हैविंग विच सेक्स क्रोमोसोम? एक्स वाई. समझ में आया? या फीमेल एंड मेल बोथ हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ओके, कि दोनों के पास ऑटोजोम्स भी सेम है, 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम्स पता है. ओके क्लियर. एंड सेक्स क्रोमोसोम कौन से हैं? फीमेल हैविंग एक्स एक्स, वेल्स मेल हैविंग एक्स वाई. क्लियर? ओके, तो भाई देखते हैं मेल एंड फीमेल बोथ हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. कितने हैं? एक सेल हैविंग हमारा फीमेल होगा या मेल होगा? हर एक सेल के अंदर नॉर्मल सेल हैविंग 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. कितने हैं बेटा? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल. इसमें एक्सेप्शन कौन आएगा बोलो तो भाई? इसके अंदर 23 पेयर नहीं होते हैं. स्पर्म एंड ओवम याद रखना है. स्पर्म एंड ओवम दे आर हैविंग ओनली 23 क्रोमोसोम इन ईच. दोनों के अंदर कितने क्रोमोसोम है लिख देती हूँ, 23 23. और हर एक बॉडी के हर एक सेल के अंदर कितने हैं? 23 पेयर. 23 पेयर मीन्स 46. याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है ना बेटा, कि भाई मेल एंड फीमेल हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. नॉर्मल सेल हैविंग 46 क्रोमोसोम, वेयर स्पर्म इन केस ऑफ मेल एंड ओवम इन केस ऑफ फीमेल दे आर हैविंग 23 क्रोमोसोम इन ईच. क्लियर इतना? ओके चलो, तो भाई हम उसका चार्ट ड्रॉ करते हैं. आ जाओ भाई, दिस इज फीमेल. करना है सबको ये. दिस इज मेल. ओके, दिस फीमेल प्रोड्यूसेस ओवम एंड ऑल द ओवम हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम. सबके पास ऑटोसोम तो जाएंगे लेकिन क्रोमोसोम भी कौन सा जाएगा? एक्स एक्स ही जाएगा. क्लियर? वेयर एज इन केस ऑफ मेल स्पर्म्स आर फॉर्म. क्या बनता है बेटा इसमें से? स्पर्म बनेगा. 50% स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम एंड 50% स्पर्म हैविंग वाई क्रोमोसोम. याद रखना है, हियर मेल इज हेटरोगैमेटिक. इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग मेल प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पर्म. 50% स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम वेयर एज 50% स्पर्म हैविंग वाई क्रोमोसोम. क्लियर इतना बेटा? एकदम परफेक्ट. ओके चलो, तो देखते हैं यहाँ पे आ जाओ. फीमेल प्रोड्यूसेस सेम टाइप ऑफ ओवम मीन्स ऑल द ओवम हैविंग एक्स क्रोमोसोम, वेयरएज मेल प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ स्पर्म. 50% स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम, 50% स्पर्म हैविंग वाई क्रोमोसोम. क्लियर? दिस वाई क्रोमोसोम
containing sperm, it is known as endosperm. याद रखना है. And X chromosome containing sperm, it is known as gynosperm. याद रखना है. याद करो gynoecium, female reproductive structure का part था, है ना. Gyno means related to female. पता है कि female के अंदर दो XX chromosome है. तो X chromosome means gynosperm. Okay, femaleness के character के लिए responsible है. And the Y chromosome endosperm. याद करो androecium. याद आया कुछ? Means Y chromosome is responsible for male character. समझ में आया कि male के character के लिए कौन सा chromosome responsible है भाई? Y chromosome. That's why it is known as endosperm. इतना clear हुआ? सबको समझ में आ गया भाई? Clear? Okay, चलो. Sex determination करवाते हैं. चलो आजा. If the sperm which containing X chromosome fertilize the ovum containing X chromosome, then the zygote is developed into XX. XX means female. समझ में आया कि भाई sperm कौन सा था? X chromosome वाला. ovum तो दोनों X वाले ही है. If X chromosome containing sperm fertilize ovum, तो भाई बच्चा कौन सा होगा? फीमेल, बेबी गर्ल होगी. एंड इफ द स्पर्म हैविंग वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज ओवम हैविंग एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन एक्स वाई. एक्स वाई मीन्स मेल. द चाइल्ड इज डेवलपिंग टू मेल. समझ में आया बेटा? क्लियर? क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड मेल होगा या फीमेल होगा वो कौन डिटरमाइन करता है? इट इज डिटरमिनेड बाय स्पर्म ऑफ मेल. समझ में आया कि भाई ये फीमेल प्रोड्यूसेस सेम टाइप ऑफ ओवम, होमोगेमस, है ना. सेम टाइप ऑफ गैमेट्स फॉर्म करना, दैट इज होमोगेमस. एंड मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, दैट इज हेटरोगेमस. तो भाई कौन सा स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है उसके उसके पर डिपेंड है ये जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगा. समझ में आया बेटा? क्लियर? देयर इज 50% चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल चाइल्ड एंड 50% चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल चाइल्ड. समझ में आया बेटा? क्लियर? ओके. कि भाई ये एक्स का एक्स के साथ कंबाइन होने के 50% चांसेस है और ये वाई का एक्स के साथ कंबाइन होने के 50% चांसेस है. तो भाई कोई कपल का बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, वो किस पर डिपेंड है? उसके फादर पर डिपेंड है, मेल पर डिपेंड है. ओके, उसके स्पर्म पे डिपेंड है. समझ में आया बेटा? तो दिस इज द सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बींग. क्लियर इतना? ओके. सो हियर फीमेल फॉर्म होगी, मीन्स बेबी गर्ल फॉर्म होगा या बेबी बॉय फॉर्म होगा. इट इज अ चांस फिनोमिनन कि भाई सपोज एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म को चांस मिला ओवम के साथ फ्यूज होने का तो फीमेल बन जाएगा, और सपोज वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म को चांस मिला ओवम के साथ फ्यूज होने का तो मेल बन जाएगा चाइल्ड. समझ में आया? तो भाई हियर द सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग इज अ चांस फिनोमिनन. 50% चांस किसका है? फीमेल चाइल्ड फॉर्म होने का. एंड 50% चांस किसका है? मेल चाइल्ड फॉर्म होने का. समझ में आया? द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है. क्लियर? कौन सा क्वेश्चन था? सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग की जगह पे ऐसा लिख सकते हैं सेक्स डिटरमिनेशन इन होमो सेपियंस सेपियंस. सेम आंसर. क्लियर? ओके. कौन से मैकेनिज्म फॉलो करता है? एक्स 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 वाई मैकेनिज्म. फीमेल कैसी है? एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम वाली. मेल कैसा है? एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम वाला. फीमेल प्रोड्यूसेस सेम टाइप ऑफ एग्स, है ना. सारे एग्स भी सेम टाइप के. एग्स मींस स्पर्म, है ना. वेयर एज मेल प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पर्म. 50% स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम, 50% स्पर्म हैविंग वाई क्रोमोसोम. तो देखो एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म है उसको क्या बोलते हैं? जाइनोस्पर्म. एंड वाई वाले को क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म. बच्चा फीमेल होगा
या मेल होगा वो किस पर डिपेंड है कि कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करता है ओवम. सपोज एक्स ये ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल होगा, और वाई स्पर्म फर्टिलाइज करेगा ओवम को तो क्या होगा? तो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पत्थर पे लर्न करना, अच्छी तरह से लिखना. ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? लेट अस कंटिन्यू चैप्टर नंबर 5 एंड अवर टॉपिक इज म्यूटेशन. कि भाई म्यूटेशन किसको बोलते हैं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. ओके, कि भाई 6 मंथ पहले मुझे एक मेरा स्टूडेंट मिला था, मॉल के अंदर घूमते थे, वो मुझे स्टूडेंट मिल गया. ओके, तो भाई मैंने अचानक देखा उसको और देखा कुछ नोटिस किया कि बेटा तेरी आंखों के कलर में क्या हुआ, तेरी आईज का कलर, आपके जो पिपिल का कलर पहले ब्लैक था और ये ब्लूश क्यों हो गया, उसकी आईज का कलर चेंज हो गया था मेरे स्टूडेंट का. ओके, मैंने पूछा कि बेटा ऐसा क्यों हुआ. ओके, तो उसने बोला कि मैम कुछ डिफेक्ट फॉर्म हुआ है, मुझे आईज में प्रॉब्लम हो गई है. ओके, मीन्स क्या हुआ था, तभी उसमें म्यूटेशन हुआ था. क्या हुआ था? म्यूटेशन. म्यूटेशन का मतलब क्या है कि देखो भाई, हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन कौन फॉर्म करता है, कौन फॉर्म करता है, किसमें से मैसेज मिलता है, डीएनए में से. समझ में आया कि भाई ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस, हॉर्मोन सिंथेसिस, दे आर स्टोर्ड इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए. कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो किसके अंदर स्टोर है, या डीएनए के सीक्वेंस में स्टोर है. देखो दिस इज डीएनए. ओके, और उस पर सीक्वेंस होती है ईटीजीसी के फॉर्म में, तो जैसी ये सीक्वेंस होगी उसी हिसाब से प्रोटीन बनेगा. समझ में आया कि बॉडी के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस, ओके, हार्मोन का सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन किसके अंदर है, या डीएनए के सीक्वेंसेस के अंदर है. ओके, कि भाई उसकी सीक्वेंस ये थी. ओके, तो ये डीएनए में से क्या बन रहा था, एमआरएनए बन रहा था. ओके, और उसमें से प्रोटीन बन रहा था. ओके, और ये प्रोटीन उसकी आई के कलर, उसके पिपिल के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था. कौन सा कलर? ब्लैक कलर. समझ में आया कौन सा कलर? ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था. लेकिन वो बच्चा कंटिन्यूस सनलाइट के अंदर खड़ा रहा था, उसको कोई ऐसा काम आ गया था कि जिसे कंटिन्यूस वो एक्सपोज हुआ किससे, सनलाइट से. तो रिजल्ट क्या आया बेटा, रिजल्ट सामने क्या आया कि उसका जो आई कलर था वो चेंज हो गया. कैसे? कि भाई देखो डीएनए की सीक्वेंस ये होगी ना, तो ही उसमें से ब्लैक आई कलर का प्रोटीन बनेगा. बट क्लियर व्हाट हैपेंस, सपोज दिस सीक्वेंस गट चेंज, ये सीजी था, साइटोसिन ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड. ओके, यहाँ से रिमूव हो गया, डिलीट हो गया. ओके, क्लियर. डीएनए की जो इंफॉर्मेशन स्टोर थी उसमें चेंज हो गए. समझ में आया? और उसमें से जो प्रोटीन बनेगा वो ब्लैक आई कलर नहीं फॉर्म करेगा, वो ब्लू आई कलर फॉर्म करेगा. ओके, सो देयर इज अ चेंज इन डीएनए. डीएनए के सीक्वेंस में चेंज हुआ, और ये डीएनए में सीक्वेंस चेंज हुई इससे उसका जो प्रोटीन बनता था वो भी चेंज हो गया. तो आई कलर उसका चेंज हो गया, ब्लूश कलर का हो गया. ओके, उसने कोई लेंस नहीं पहना था. ओके, उसको आईज में प्रॉब्लम हुआ था, म्यूटेशन हुआ था बेटा. ओके, सो व्हाट इज म्यूटेशन? तो यहाँ पर डेफिनेशन है कि डीएनए का चेंज होना. ओके, तो चलो आ जाओ, दिख रहा कि म्यूटेशन इज अ सडन, बोल के नहीं आता है कि मैं आपको डैमेज कर रहा हूँ. इट इज अ सडन चेंज, इट इज अ सडन स्टेबल एंड इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटीरियल, दैट इज डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म. समझ में आया कि कोई ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर सडन स्टेबल एंड इनहेरिटेबल चेंज होना. इनहेरिटेबल चेंज मीन्स सपोज कोई एक पर्सन के अंदर म्यूटेशन हुआ तो उसका बेबी होगा उसमें भी म्यूटेशन हो गया होगा. समझ में आया? वो म्यूटेटेड जीन उसके बेबी में जाएगा, वो भी म्यूटेटेड ही होगा. उसका बच्चा भी कैसा होगा, जनरेशन टू जनरेशन जितने भी उसकी बच्चे बनेंगे सारे म्यूटेटेड बनेंगे, सारे डिफेक्टिव बनेंगे. समझ में आया? सो व्हाट इज म्यूटेशन डेफिनेशन, देखते हैं. आ जाओ बेटा. तो म्यूटेशन इज अ सडन स्टेबल एंड इनहेरिटेबल चेंज. किसका? डीएनए का. जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. ओके, इट इज अ सडन स्टेबल एंड इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल.
ऑफ ऑर्गेनिज्म. समझ में आया बेटा, ये उसकी परफेक्ट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. उसकी दूसरी भी डेफिनेशन है, चलो देखते हैं. ओके, कि भाई म्यूटेशन इज अ फेनोमिनन, एक घटना है विच रिजल्ट्स इन अल्टरेशन. अल्टरेशन का मतलब है चेंज. क्या चेंज हो जाता है? अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस. जो डीएनए सीक्वेंस पहले थी कौन सी थी? ऐसी थी. ओके, म्यूटेशन से ये सीक्वेंस चेंज हो गई. यस, ये सीक्वेंस चेंज हो गई. ओके, एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट्स इन, और उससे क्या चेंज हो जाता है? उसके जीनोटाइप, उसके जीन्स चेंज हो गए. यस, और जीन चेंज हो गए तो प्रोटीन बना नहीं. आई का कलर ब्लैक था, वो ब्लू हो गया. मीन्स विजिबल कैरेक्टर आई का कलर, उसको फिनोटाइप बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फिनोटाइप. ऑब्वियसली जीन्स चेंज हो गए तो फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगी. ओके, आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जीन्स रिस्पॉन्सिबल है. समझ में आया? जीन चेंज हो जाएंगे तो सारे कलर चेंज हो जाएंगे, दैट इज फिनोटाइप. आई का कलर चेंज हुआ, मुझे पता चल गया विजिबल कैरेक्टर है. और मुझसे पूछा कि भाई उसकी फिनोटाइप चेंज हो गई है, उसका कलर चेंज हो गया है. समझ में आया? डेफिनेशन दूसरी बार करते आ जाओ. तो भी म्यूटेशन इज अ फिनोमिनन विच रिजल्ट्स इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस. डीएनए सीक्वेंस चेंज होती है और उससे उसकी जीनोटाइप भी चेंज हो जाती है. और फिनोटाइप, फिनोटाइप मीन्स विजिबल कैरेक्टर. विजिबल कैरेक्टर भी ऑर्गेनिज्म के चेंज हो जाते हैं. दिस इज नोन एज म्यूटेशन. म्यूटेंट किसको बोलते हैं? वो मेरा स्टूडेंट था ना, उसको मैं म्यूटेंट बोल सकती हूँ. कि भाई जो ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन हुआ है उसको क्या बोलूंगी मैं? म्यूटेंट. ओके, द ऑर्गेनिज्म विच अंडरगो म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटेंट. उसको क्या बोलते हैं बेटा? म्यूटेंट. सेकेंड, म्यूटाजन. म्यूटाजन किसको बोलते हैं? कि जिसने म्यूटेशन करवाया है, इंड्यूस किया है, इट इज नोन एज म्यूटाजन. द केमिकल एजेंट और फिजिकल एजेंट विच इंड्यूस म्यूटेशन दे आर कॉल्ड म्यूटाजन. मैंने बोला ना कि सनलाइट में कौन से रेस ज्यादा होते हैं? यूवी रेस, अल्ट्रा वायोलेट रेस. समझ में आया? और उससे कंटिन्यूअस एक्सपोज होती है हमारी आईज, हमारी स्किन, तो उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, स्किन कलर चेंज हो जाता है, आई कलर चेंज हो जाता है. क्लियर? तो उसको म्यूटाजन बोलते हैं. डेफिनेशन दूसरी बार देखते हैं. द केमिकल एजेंट एंड फिजिकल फैक्टर्स विच कॉजेज म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटाजन. एग्जाम्पल कौन है दिख रहा? यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन. और दूसरा है मस्टर्ड गैस. कौन सा गैस? मस्टर्ड गैस. क्लियर? ओके, मीन्स डीएनए का चेंज होना. डीएनए चेंज हुई तो जीन्स भी चेंज हो जाएंगे, बिकॉज जीन्स किससे बने हैं? डीएनए से. समझ में आया? हमारे जीन्स किससे बने हैं? डीएनए से. क्लियर? डीएनए चेंज, देन जीनोटाइप चेंज, फिनोटाइप चेंज, मीन्स विजिबल कैरेक्टर चेंज. समझ में आया बेटा? क्लियर? अभी नीट एमसीक्यू एक क्वेश्चन है जो नीट में बहुत बार आया है. ओके, कि वेरिएशन इन डीएनए, कि भाई हमारे डीएनए में चेंज कब होता है, वेरिएशन कब होता है? तो भाई जब उसके अंदर म्यूटेशन होता है तब डीएनए चेंज होता है, और दूसरा रिकॉम्बिनेशन होता है तब डीएनए हमारा चेंज होता है. समझ में आया? रिकॉम्बिनेशन कब होता है? तो भाई रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस. याद करो, मियोसिस का प्रोफेज वन है ना, सब फेजेस याद करो प्रोफेज वन के. लैप्टोटीन, लेजापेडिडा, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पाकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. तो भाई डिप्लोटीन में रिकॉम्बिनेशन होता है कि दो क्रोमोसोम की क्रोमेटिड है एक दूसरे से ऐसे 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 क्रॉस करती है. ओके, और इसका टुकड़ा इसके साथ फ्यूज हो जाता है और इसका टुकड़ा इसके साथ फ्यूज हो जाता है. तो रिकॉम्बिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द पीसेस ऑफ क्रोमोसोम गेट्स चेंज विद ईच अदर. समझ में आया? तो भाई हमारे डीएनए के अंदर वेरिएशन क्यों आता है? ड्यू टू टू प्रोसेस. ये नीट का एमसीक्यू कि वेरिएशन इन डीएनए अकर ड्यू टू फर्स्ट म्यूटेशन, ओके, एंड सेकेंड रिकॉम्बिनेशन. ओके, रिकॉम्बिनेशन कब होता है? जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, स्पर्म प्रोडक्शन होता है, ओवम प्रोडक्शन होता है, तब रिकॉम्बिनेशन होता है. इतना क्लियर हुआ? ओके, म्यूटेशन मीन्स डीएनए का चेंज हो जाना. ओके, उससे हमारा कैरेक्टर भी चेंज हो जाता है, दैट इज नोन एज म्यूटेशन. तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आपको कंपल्सरी याद रखना है.
ओके बेटा चलो थैंक यू.